हिमाचल प्रदेश में बढ़ती ठंड से अब गरीब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने अब क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इस अनोखी पहल में ऐसा क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जरूरत है तो ले जाएं, अधिक है तो दे जाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जरा इस बैनर को ध्यान से देखिए। ये बैनर जिला प्रशासन की तरफ से बनवाया गया है, जिसमें गरीब और जरूरतमंदों के लिए प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट आई है। इसको लेकर चंबा के जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप समझ ही गए होंगे कि आखिर प्रशासन का कंसेप्ट क्या है। इस मुहिम से प्रशासन का मकसद गरीब लोगों को फ्री में गर्म कपड़े देना है। इस मामले पर एसडीएम चंबा ने लोगों से अपील की है कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दी के इस मौसम में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं होते और बिना पैसों के वो लोग कपड़े खरीद भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रशासन उनकी मदद के लिए ये वस्त्र बैंक योजना शुरू की है। हमारे मीडिया के सहभागी एवं समाज सेवी लोगों के साथ मिलकर हमने एक वस्त्र बैंक खोला है, जिसका पर्पज ये है कि जिन भी लोगों पे कपड़े एक्स्ट्रा हो वो कपड़े दे जाएं और जिन भी लोगों पे कपड़े ना हो वो खुद आके ले जाएं। इसी बीच मेरा अनुरोध है पूरे क्षेत्रवासियों से कि कृपया करके जितने भी उनके कपड़े जो कि वो इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, पुराने कपड़े हैं, वो दे दें ताकि किसी गरीब के इस्तेमाल में आ जाएं।